हेलो व्यूवर्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सैम ऑफ लाइफ। सैम का मतलब शौंग होता है और यह जो कविता लिखी गई है बहुत ही फेमस ऑथर है हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इसको वर्ड्सवर्थ थे, आप जो है कंफ्यूज मत करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट को देखते हैं। तो द सैम ऑफ लाइफ इज़ ए पोएम रिटन बाय हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इट इज़ ऑफन सब टाइटल्ड एज, जो इसका पूरा टाइटल जो कहा जाता है, व्हाट द हर्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सैमिस्ट। यानी यहाँ पर ये हमारा पूरा शीर्षक है इस कविता का। आइए आगे बढ़ते हैं। ही रोट दिस पोएम सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। इन्होंने अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद यह कविता लिखी थी। इट वॉज द टाइम, यह वही समय था, वेन ही वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक द लाइफ बेटर। वो जिस समय वो सोच रहे थे कि जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली, यानी इनके कोई नाम नहीं दिए गए थे, इनके पब्लिश जो हुई थी कविता जो है एनोनिमसली पब्लिश हुई थी विदाउट एनी नेम इन 1838, है ना, 1838 ईस्वी में। इट वॉज रीपब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन द नेक्स्ट ईयर, और फिर से ये पब्लिश हुई थी इनकी खुद की कलेक्शन में अगले साल। इट्स इंस्पायरेशनल मैसेज मेक्स इट वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स। यानी उनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक जो है मानी जाती है, गिनी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ इंस्पायरेशनल मैसेज है, यानी हम कैसे अपने लाइफ को जिए कवि हमें बताते हैं। द राइमिंग पैटर्न, यानी इसके जो राइमिंग पैटर्न है ऑफ द पोएम ए बी ए बी, यानी इसका जो राइमिंग पैटर्न है ईच स्टैंजा का ए बी ए बी है, विच इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस या ऑल द रीडर्स टू लिव एक्टिवली। मतलब हमें कहते हैं कि जीवन में जो है एक्टिव रहना चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि कहीं डिस्पेयर, बिल्कुल निराशा हम पर डोमिनेट हो गई, हावी हो गई, निराश हो गए, बिल्कुल जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वी शुड नाइदर लेमेंट द पास्ट नॉर फोर थिंक अबाउट फ्यूचर। मतलब वो कहते हैं कि ना ही हमें ज़्यादा पास्ट के बारे में ओवर थिंक करना चाहिए, ना ही हमें फ्यूचर को ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ये सब करने से प्रेजेंट आपका बेहतर नहीं हो जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए रिलीजियस पोएम, यह एक धार्मिक कविता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड सॉन्ग, इसको एक सॉन्ग की तरह जो है कंसिडर किया जाता है, एंड इन्वोकेशन टू मैनकाइंड, और पूरे मानव जाति को एक आवाहन की तरह जो है समझा जाता है। यानी कवि जो है पूरी मानव जाति को ये आगाह करते हैं, ये कहते हैं टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। मतलब जो ये रास्ता है, इसी रास्ते पर आप चलें, इसी में जो है खुशी है, इसी में काबिलियत है, इसी में समझदारी है। इट इज़ ए ब्लो टू द पेसिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ टेकिंग लाइफ लाइटली। यानी हम अपने जीवन को हमेशा हल्के में लेते हैं, जीवन में कभी सीरियस नहीं होना भी बुरा है, है ना। तो वही कह रहा है कि जो पेसिमिस्टिक थॉट के साथ अपने जीवन को ऐसा समझते हैं जैसे कि मान लो कि कुछ अच्छा होना ही नहीं हमारे लाइफ में, हम पहले से ऐसा समझ कर बैठ जाते हैं, तो फिर कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है कवि के द्वारा बहुत ही ज़्यादा फोकस करी गई हैं। द पोएट इनकरेजेज द रीडर्स, वो रीडर्स को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, नॉट टू वेस्ट लाइफ, जीवन को ना बर्बाद करने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट, क्योंकि वह बहुत ही छोटा है, एंड इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून, और ये बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है ना। आगे बढ़ें तो द पोएम हाईलाइट्स द व्यूज ऑफ द पोएट, कवि के विचारों को बहुत ही गहराई से यह कविता दिखाती है, एंड अबाउट हाउ टू लिव लाइफ, कैसे जीवन जिए एंड मेक ए गुड यूज़ ऑफ इट, और इसका कैसे अच्छा यूज़ करें। इट कंसिस्ट ऑफ 9 स्टांजाज, मतलब टोटल 9 स्टांजाज है इसमें, और ईच स्टांजाज में समझ ही सकते हैं 4 लाइनें हैं, 9 × 4 = 36 लाइन हुई टोटल, है ना। ईच स्टांजा हैज़ 4 लाइन्स, ये अभी मैंने लिख दिया है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये कंटेंट मैंने खुद प्रिपेयर किया है, एंड जो है आप देख रहे हैं englishwithmoderation.com, ये इट इज़ ऑन बाय मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन, कविता की जो शुरुआत होती है एक सवाल से होती है, एक प्रश्न से होती है, वेदर लाइफ इज एन एम्प्टी एंड मीनिंगलेस ड्रीम। वेदर होगा यहाँ पर, एच हो जाएगा, है ना, कि क्या यह जीवन जो है क्या यह बिल्कुल खाली है, क्या इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं, कुछ जो कह सकते हैं जो हमें खुशी दे सके। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के हिसाब से, ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज लाइफ स्लीपिंग इज ऑलरेडी डेड। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को सोते हुए बिताता है वो ऑलरेडी मर चुका है, मतलब उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है।
सच वर्थलेस लाइफ मिसगाइड्स इवन अदर ह्यूमन बींग्स। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना जीवन तो खराब करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो दूसरों को भी मिसगाइड करते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, दूसरों को भी गलत तरीके से जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो इनडायरेक्टली द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इरिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर द ट्रू ह्यूमन नेचर। यानी इंसान का स्वभाव कभी भी इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी इरिस्पॉन्सिबल। हमें कभी गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू आवर ड्यूटी। हमारा जो कर्तव्य हमारा जो है उसे हमेशा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड स्टांजा इज ऑल्सो अबाउट इनकरेजमेंट ऑफ लाइफ। जो दूसरा स्टांजा है वो भी जीवन के प्रोत्साहन के लिए भी है ही है। द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल एंड सीरियस। यानी जीवन वास्तविक है, यह गंभीर है। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइटली। इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एंड डेथ शुड नेवर बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अब हम ऐसे इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना कि भाई मौत आ रही है, हम इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि कब आ जाए मौत, जल्दी से आ जाए हमें ले जाए। ऐसे कह देना एक बिल्कुल ही पैसिमिस्टिक थॉट है। इसको हम पॉजिटिव वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में भी सोच सकते हैं। द डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यानी मृत्यु जो है जीवन का अंत नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बॉडी। ये सिर्फ बॉडी पर ही अप्लाई होती है। मतलब सिर्फ शरीर ही क्षय होता है, शरीर ही खत्म होता है, आत्मा बिल्कुल खत्म नहीं होती। द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम इज अबाउट द वे ऑफ लिविंग। कि हम कैसे जिए, जीने के तरीके के बारे में है। द पोएट सेज दैट आवर लिविंग शुड ओनली बी बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट और मर्निंग। यानी कह रहे कि हमारा जो जीवन होना चाहिए दो ही तरीके का होना चाहिए, या तो फिर हम खुश रहें बहुत ज्यादा या फिर दुखी रहें। वी शुड एक्ट वाइजली सो दैट वी कैन मेक आवर फ्यूचर बेटर। अब ये हम पर निर्भर करता है, हमें समझदारी से ये करना चाहिए कि हमें खुश रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए। दुखी रहने से कोई दुख खत्म नहीं हो जाता, कोई अतीत आपका लौट कर नहीं आ जाता, या फिर अतीत की वो गलतियां आप सुधार नहीं सकते। तो बेहतर है हम एन्जॉयमेंट को ही एक जीवन बिताने का जरिया बनाएं, है ना। द फोर्थ स्टांजा इज अबाउट द वर्क असाइंड टू अस। यानी जो काम हमें सौंपा गया है, जो गॉड ने हमें जो काम दिया है, एंड द टाइम विच इज फ्लाइंग। और उस वक्त के बारे में है जो कि उड़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। फ्लाई का मतलब यहाँ उड़ना तो नहीं कह सकते, जो कि काफी रफ्तार से है ना खत्म हो रही है। द पोएट मीन्स टू से दैट, कवि का कहना है, द वर्क गिवन टू अस इज टू लॉन्ग। यानी हमें जो काम मिला है, हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो बहुत बड़ी है ना। सो द पोएट इनकरेजेज अस टू एक्ट ब्रेवली। कहते हैं बहादुरी से हमें जो है काम करना होगा। द पोएट ऑल्सो wants to convey a message, हम तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, that one should never lose his courage। किसी को अपना हिम्मत कभी नहीं खोना चाहिए, अपना साहस कभी नहीं खोना चाहिए, under any circumstance, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। The fifth stanza is a comparison of the world to a battlefield। वो कहते हैं कि यह दुनिया एक जो है युद्ध का मैदान है, रण क्षेत्र है, रणभूमि है। The humans who are living there are compared to troops। ट्रूप का मतलब होता है योद्धा, और यहाँ जो लोग हैं वो योद्धा हैं, मतलब उन्हें लड़ते रहना होगा। योद्धा यदि रण क्षेत्र में विराम करने लगे तो क्या उसका जीवन बच पाएगा, क्या उसका जीना सार्थक हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका जीवन चला भी जाएगा और जीने का कोई उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वी शुड कीप फाइटिंग। यदि बुरे वक्त हैं हमारे, हमारी बुरी परिस्थितियां हैं, इफ वी आर फेसिंग बैड सर्कमस्टांसेस देन वी हैव टू फेस इट। हमें इसका सामना करना है। The poet asks all of us to live and fight the battle within the given period of time। जो वक्त मिला है, बिना वक्त गवाए हमें उसको फाइट करना है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। He asks us not to be like the dumb cattle। हमें उस मूक गुंगे अवे मवेशी की तरह बनने के लिए नहीं कहते हैं, which is driven by others, जो कि दूसरों के द्वारा चराए जाते हैं। वैसे मवेशी की तरह हमें बनने को नहीं कहते हैं। It always lacks direction and determination। यानी वो जो मवेशी जो चर रहा होता है खेतों में, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई चाह नहीं होती। तो वो चीज़ हमें नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल हमें वैसा नहीं बनना चाहिए। In the sixth stanza, the poet asks us not to trust on the future। हमें भविष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि आने वाला वक्त अच्छा हो जाएगा, खुद ब खुद तो अच्छा नहीं होगा। हमें प्रेजेंट में कुछ अच्छा करना होगा, तभी जाकर हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। द फ्यूचर मे बी सीमिंग प्लीजेंट। हो सकता है कि आपको दिखे कि हमारा आने वाला वक्त अच्छा है, बट इट इज नेवर अवर गोल। लेकिन वो कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। द पास्ट शुड ऑल्सो बी फॉरगॉटन बाय ऑल ऑफ अस। हमें अतीत को भी भूल जाना चाहिए, हमारे अतीत को। द एम ऑफ लाइफ शुड बी द फेथ इन गॉड।
ईश्वर में विश्वास ही हमारा जो है एक फेथ, एक एम होना चाहिए, सोल एम होना चाहिए, एक एकमात्र जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें ईश्वर में विश्वास करना है, जो हमें उसने काम दिया है उस कर्तव्य का निर्वहन करना है, है ना। वी शुड नेवर लूज द दिस फेथ एट एनी कॉस्ट, हमें भी किसी भी कीमत पर उस विश्वास को नहीं खोना चाहिए। वी कैन मेक आवर लाइफ नॉबल एंड एलिवेटेड, हम अपने जीवन का स्तर और उच्च कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, एंड रीच ग्रेट हाइट्स, और एक बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फाइनली व्हेन वी डाई, और जब हम आखिर में मरेंगे, वी कैन लीव आवर फुटप्रिंट्स बिहाइंड अस, हम अपने काम के निशान, हम अपनी सोच को इस दुनिया में छोड़ कर जाएंगे, फुटप्रिंट्स, है ना, सो दैट अदर्स कैन फॉलो आवर पाथ, और इस तरह से दूसरे भी हमारे किए हुए रास्ते पर, हमारे बनाए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। आवर पाथ शुड नेवर बी लाइक द पाथ ऑफ एन अनहैप्पी एंड शिपरेक्ड मैन, यानी एक मायूस जिंदगी नहीं जीनी चाहिए हमें, हमारा जीवन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा रास्ता नहीं अपना लेना चाहिए जिसमें कि हमें जो है बिल्कुल हम कुछ करना ही नहीं पड़े, ऐसा रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए, और ऐसे लोग ही अक्सर जो है सफर करते हैं, वो जीवन पर्यंत जो है आजीवन वो ग्रसित होते ही रहते हैं दुखों से। और एक कुछ लास्ट कुछ लाइनें हैं, इन द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट आस्क्स अस टू बिगिन एट वंस, जल्दी शुरू करने कहते हैं, वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त बिना गवाए, वी हैव नो टाइम टू थिंक, हमारे पास सोचने के लिए वक्त नहीं है, वी हैव टू अचीव आवर एम, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, एंड लर्न टू वर्क हार्ड, और हमें कड़ा से कड़ा मेहनत करना है, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, प्रयास करनी है, ओनली आफ्टर देन वी कैन वेट पेशेंटली, तभी जाकर हम इंतजार कर सकते हैं फॉर द रिवॉर्ड्स, यानी जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और हम उम्मीद करेंगे हमें रिवॉर्ड्स मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, ऐसा कभी होगा क्या? इज प्रीशियस द थीम, यानी इसका जो थीम है ऑफ द पोएम, यानी कह सकते हैं कि विच इज प्रीशियस, मतलब ये काफी प्रीशियस है थीम इसका जो है, और थीम की बात करें तो एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, यानी कवि जो है लाइफ के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पेश करते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। सो इट हैज बिकम लेट नाइट, एंड लेट नाइट तो नहीं कह सकते, लेट इवनिंग कह सकते हैं, तो ज़्यादा वक्त हो रहा है, तो हम यहीं पर जो है इस वीडियो को खत्म करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, यदि कुछ कमियां रह गई हैं तो हमें ज़रूर सुझाव देंगे, धन्यवाद।